नमस्कार, स्वागत है आपका हम आपका हिंदी न्यूज चैनल में। मैं हूँ आपके साथ अदिति मिश्रा। आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें, जिन पर बनी रहेगी आप सबकी नजरें। बिजली विभाग में इंजीनियरिंग पदों पर निकाली बम्पर भर्तियां, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली है। पटना, सारण, चंपारण और दरभंगा में बारिश के आसार, जाने कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम। जेठ की गर्मी में नमी युक्त पूर्वा हवा का प्रभाव मजबूत होने से प्रदेश के सभी जिलों के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। बिहार के अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान मेघ गर्जन वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। समस्तीपुर के पूर्व विधायक व बड़िए माकपा नेता रामदेव वर्मा का निधन, 6 बार रहे विधानसभा सदस्य। पुण्यतिथि पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। सीतामढ़ी में डॉक्टर ने अपना ब्लड चढ़ाकर बचाई 15 साल की किशोरी की जान। चिकित्सकों की लापरवाही से मरीज की मौत के किस्से तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन किसी मरीज को बचाने के लिए आपने खून देना कभी कभार ही सुना होगा। सीतामढ़ी में मिशन 7 लाख के तहत 24,000 से अधिक आवासों को जून तक पूरा करने का लक्ष्य। सीतामढ़ी में जेल अध्यक्ष के आवास पर तैनात जवान को चाकू मार किया जख्मी। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने स्नातक तृतीय खंड के छात्र छात्राओं का अंक पत्र सोमवार तक सभी कॉलेजों को उपलब्ध करा दिया है। अब छात्रा कॉलेज से इसे प्राप्त कर सकते हैं। कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। कुल सचिव ने कहा कि सीईटी बीएड 2022 में अंक पत्र के अभाव में विश्वविद्यालय का एक भी छात्र वंचित नहीं हुआ है। सिंहवाड़ा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर उच्च पथ 27 पर बस पर शराब लेकर जा रहे तस्कर शराब पकड़ाते ही बस से कूद गया। बस से कूदने के क्रम में शराब तस्कर बिशनपुर थाना क्षेत्र के शिवदासपुर निवासी 28 वर्षीय सुबोध कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मौके पर पहुंची सिमरी पुलिस ने उसे इलाज के लिए सिंहवाड़ा CHC पहुंचाया। दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 36 में पानी टंकी का मोटर पिछले एक महीने से जला हुआ है। बीच में इसकी रिपेयरिंग भी की गई पर यह ठीक नहीं हो पाया, फलस्वरूप लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के खिलाफ सोमवार को लोग सड़क पर उतर आए। लोगों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की कि इसकी मरम्मत सही ढंग से की जाए ताकि बार बार की इस समस्या से निजात मिल सके। BPSC पेपर लीक मामले का पेच अब दरभंगा जाकर फंस गया है। 3 सदस्यीय EOU की टीम ने सबूत के साथ मोबाइल फोन भी बरामद किया है। आपको बता दें कि रविवार को टीम जांच के सिलसिले में दरभंगा पहुंची हुई थी। पंजाब पुलिस में बड़ा फेरबदल, भगवत मान सरकार ने 4 DGP समेत 28 वरिष्ठ अधिकारियों का किया तबादला। जापान में दिग्गजों से मिले PM नरेंद्र मोदी, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को मेडिकल चेकअप के लिए पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में सोमवार को ले जाया गया। आपको बता दें कि 1988 के रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें 1 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद 20 मई को उन्हें पटियाला सेंट्रल जेल में रखा गया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कांग्रेस नेता सिद्धू ने जेल में दाल रोटी खाने से मना कर दिया है। ज्ञान भाभी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पर वाराणसी के जिला जज की अदालत में सुनवाई हो रही है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट के पास भी लंबित है, जिस पर गर्मी की छुट्टी के बाद जुलाई में फिर से सुनवाई शुरू होनी है। बिहार के 7 पूर्व जिला खाद्य प्रबंधकों के खिलाफ चलेगा मुकदमा, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। पाकिस्तान में बन रही पंजाब को दहलाने की साजिश, ISI ने इस प्लान का किया पर्दाफाश। मगध महिला कॉलेज को मिला अत्याधुनिक हॉस्टल, CM नीतीश ने किया उद्घाटन, बहन व पत्नी का किया जिक्र। पटना स्थित मगध महिला कॉलेज की छात्राओं को नीतीश सरकार ने बड़ा स्वागत दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कॉलेज के नए छात्रावास का उद्घाटन किया।
इस हॉस्टल में 639 बेड तैयार किए गए हैं। सीएम ने महिलाओं के लिए सूबे में किए जा रहे प्रयासों को भी गिनाया। उनके साथ सूबे के शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हड़कंप, कई विधायकों के कट सकते हैं टिकट। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस ने हाल ही में चिंतन शिविर का आयोजन किया था। इस शिविर में कांग्रेस को मजबूत बनाने की योजना पर चर्चा हुई। शिविर में 50-50 के फॉर्मूले को लागू करने का फैसला लिया गया। बिहार के निजी स्कूलों के लिए काम की खबर है। CBSE ने सभी निजी स्कूलों को शिक्षकों की सही जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। CBSE ने मान्यता प्राप्त जो स्कूल शिक्षकों की सही जानकारी नहीं देंगे, उन पर बोर्ड 50,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा।